देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सितारगंज बेगुल डैम की भूमि में लंबे समय से बसे ग्रामीणों ने सीएम से मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि डैम के निष्प्रयोजित भूमि में आधा दर्जन से ज्यादा गांव बसे हैं और जिनमें लाखों की आबादी निवास करती है, लेकिन उन्हें अभी तक भूमि में खेती बाड़ी के बावजूद स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने SDM को बताया है कि बेगुल जलाशय के निर्माण के दौरान सरकार ने कुछ भूमि वन और राजस्व से अधिग्रहित की है। और आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि लगातार काबिज रहने के कारण वे भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से भूमि में मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री जी को मेरे माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित करने के लिए अनुरोध किया है। और मामला इसमें मुख्य जो मामला है वो भूमिधरी अधिकारों को लेके है। काफ़ी इनका कहना है कि हम जो है काफ़ी वर्षों से इस ज़मीन पे काबिज हैं और वन विभाग द्वारा जो है अपनी ज़मीन को का अधिकार लेने के लिए बार बार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इन लोगों को वहाँ से उजड़ने का खतरा बना हुआ है, ऐसे लोगों का कहना है। इसके संबंध में भूमिधरी राइट्स प्राप्त करने के लिए इन्होंने अनुरोध किया है। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री तो सितारगंज से खबर है जहां पर ग्रामीणों ने सीएम से मालिकाना हक की बात कही है। आपको बता दें कि सितारगंज बेगुल डैम की भूमि में लंबे समय से बसे ग्रामीणों ने सीएम से मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि डैम के निष्प्रयोजित भूमि में आधा दर्जन से ज़्यादा गाँव बसे हैं जिनमें लाखों की आबादी निवास करती है, लेकिन उन्हें अभी तक भूमि में ही खेती बाड़ी के बावजूद स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। और ग्रामीणों ने SDM को बताया है कि बेगुल जलाशय के निर्माण के दौरान सरकार ने कुछ भूमि वन और राजस्व से अधिग्रहित की है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नव वर्ष के आगमन पर कृष्ण कृपा मिशन परिवार सितारगंज के तत्वाधान में पूज्य रामानुज संप्रदाचार्य स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज के सन्निध्य में ही श्रीमद् भागवत कथा के भव्य आयोजन हेतु ही भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया और महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए रामलीला मैदान में मौजूद व्यासपीठ पर भागवत गीता को विराजमान किया गया है। बता दें आपको कि स्वामी चतुर्भुज आचार्य ने बताया है कि 501 महिलाओं ने कलश यात्रा में सम्मिलित होकर ठाकुर जी का गुणगान किया और प्रतिदिन 2 जनवरी से 10 जनवरी तक दोपहर 12:30 से आरंभ होके और ये 11 जनवरी को विशाल भंडारा भी होगा। पौड़ी जिले के ही चोबट्टा खाल विधानसभा के नौ गांव खाल ग्राम सभा पाथर में घास काट रही एक महिला का गुलदार ने हमला कर दिया। बता दें आपको कि महिला ने दराती से गुलदार पर वार कर अपनी जान बचा ली, लेकिन गुलदार के हमले से महिला को कई चोटें भी आई हैं। गुलदार के हमले के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीते साल ही यहाँ गुलदार ने एक महिला पर हमला किया था। दरअसल चोबट्टा खाल विधानसभा के नौ गांव खाल ग्राम सभा पाथर में ही कुछ महिलाएं घर के समीप ही घास काट रही थी और तभी अचानक यहां गुलदार आधम का और दो महिलाओं पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला ने दराती से वार कर अन्य महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार मौके से भाग गया और घटना के बाद से ही गांव के लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गाँव में 4 गुलदार सक्रिय बने हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण अपने घरों से बाहर आने से डर रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजने में भी उन्हें डर लग रहा है। वन विभाग को बार बार सूचित करने के बाद भी इस ओर कोई सुध नहीं लिया जा रहा है और पूर्व में वन विभाग द्वारा यहाँ पिंजरा लगाया गया था, लेकिन गुलदार वन विभाग को पकड़ में नहीं आया। वहीं अब ग्राम प्रधान विकास पाथरी समेत ग्रामीणों ने गुलदार को पिंजरे में कैद करने की मांग की है ताकि ऐसी घटना दोबारा क्षेत्र में ना हो।
समय काम करना चाहे बागल हमला कह दे और पिछले साल निकाय लौटा वह भी निकाय पागल आदमी पर कह दे हमला। और इसी खबर पर हमारे साथ पौड़ी से हमारे सहयोगी भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, अस्पताल में महिला भर्ती बताई जा रही है, गुलदार के साथ आपसी रंजिश का इसमें मामला सामने आया है, आप हमला किया गया है, उसको लेकर विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौहत्ता खाल विधानसभा के ये गाँव है जो की यहाँ पे गुलदार ने हमला, जो ग्राम सभा पातर गाँव है वहाँ पे घास काटने जा रखी थी महिला, जिस महिला पे गुलदार ने अपना हमला कर दिया, वही नौगांव क्षेत्र के ग्राम सभा की कुछ महिलाओं ने समिति करके शोर मचाकर, पहले भी इस तरह से लगातार एक पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की वहां पे खबरें जो आती है, लगातार सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो आती है, उससे देखने को ये मिलता है कि लगातार अब गुलदार के हमले। कुछ स्वयं एक बार मैं खुद बताऊं कि मैं खुद एक खबर के लिए जा रहा था, जिस तरह की वहां पर लेकिन तेंदुआ खुद हमने दिखा और उस पर ये मानिए कि हमने थोड़ा सा अपनी निर्भर रखी, नहीं तो हमें भी हमला कर सकता था। लेकिन एक बात बताऊं मैं, लगातार इस तरह की खबरें जो आ रही है और वहीं ग्राम प्रधान विकास मंत्री का कहना है कि प्रशासन को लाख बात बावजूद भी कोई यहाँ पे ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने उप जिलाधिकारी संदीप कुमार चौहट्टा काल विधान तहसील को डीएम को यहाँ पे ज्ञापन दिया है, गढ़वाल सांसद को सस्तांबदे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दिया और कैबिनेट मंत्री जो की सतपाल महाराज वहाँ के विधायक भी है कैबिनेट मंत्री, उनको भी ज्ञापन के लिए यहाँ पे उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है और उनका साफ कहना है, हालांकि यहाँ पे पिंजरा लगाया गया है और आज इसी आक्रोश को देखते हुए आज वहाँ पे तहसील प्रशासन में ग्राम सभा के विकास मंत्री का कहना है कि यहाँ पे आज एक गुलदार का इसे तहसील प्रशासन के पास गिराव है, जिससे प्रशासन जागता है तो ठीक है, नहीं जागेगा तो ऊपर कानून कानून करने के लिए हमें मजबूरन रोड़ों पे उतरना पड़ेगा। आज इसी संबंध में यहाँ पे ग्राम सभा के लोगों का लोग आक्रोश होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और धरने यहाँ पे बैठे है। वही विकास प्रधान का कहना है, विकास मंत्री का, की जब तक इस पे, और वही बात करें कि क्षेत्रीय जो प्रमुख है नीरज मंत्री का भी कहना है कि लगातार आए दिन इस तरह की खबरें जो क्षेत्र में आती है, लेकिन प्रशासन तब जागेगा और वही हमारी अपील है प्रशासन से कि यहाँ पे लगातार जिस तरह को लाभ के उनको घर तो लेते हैं लेकिन वही छोड़ देते हैं, तो वन विभाग के कर्मचारियों का अनुरोध है कि कृपया आपके लोगों को, जो लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पे आप जब गुलदार पकड़ने आते हैं, इस तरह से जो घटना होती है पकड़ा तो जाता है लेकिन उसको आप इधर ही छोड़ देते हैं, उनको इधर ना छोड़े, ताकि जहाँ ऐसी जगह छोड़े कि जहाँ पे लोगों पर हमला ना करे, इस तरह से लगातार ये खबरें यहाँ पे देखने को मिले। बिल्कुल भगवान सिंह, ऐसी घटना पहले भी वहाँ पर सामने आ चुकी है क्या? जी बिल्कुल, लगातार कहीं घटना है वहाँ पे, एक ही मामला नहीं है, आज ही का पहला मामला नहीं है, लगातार वहाँ पे इस तरह की खबरें जो आती रहती है, वहाँ क्षेत्र में गुलदार की तहसील का माहौल बना है, वहीं लोगों का कहना है कि हम रात को भी अपने घर से बाहर नहीं आ पाते और शाम को ही 5 बजे से ही बाद ही लोग अपने घरों के अंदर घुसाते हैं क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और लेकिन कोई कुछ करने के लिए अगर बाहर आता है कोई भी, इससे गुलदार हमला कर देता है, जिसके डर का माहौल बना है, वही आज इस आक्रोश को देखते हुए प्रशासन के खिलाफ वहाँ पे नारेबाजी करने के लिए वहाँ पे प्रशासन के खिलाफ वहाँ पे धरने पर बैठे हैं ग्राम सभा के प्रधान और तमाम सभी स्थानीय लोग। जी भगवान सिंह, अब वन विभाग की इस पर पूरे मामले पर क्या कार्रवाई है? जी बिल्कुल, वन विभाग के अधिकारियों को मैंने जब इस बारे में पूछना की कोशिश की तो वो हमसे बात करने के लिए ही राजी नहीं है, उनसे पूछा गया कि आप अपना वर्जन तो डालिए लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं इस संबंध में जब वहाँ पे लोगों ने उनका विरोध, ग्रामीणों ने वन विभाग को चेतावनी दी कि आप जल्द से जल्द इस पर पिंजरा लगाया जाए और जितने भी यहाँ पे गुलदार है, एक गुलदार नहीं है कई गुलदार यहाँ पे है, उन गुलदारों को पकड़ के अन्य जगह छोड़ा जाए कि जहाँ पे जान मान का नुकसान ना हो, पालतू जानवरों को भी कई बार यहाँ पे अपना निवाला बना चुका है गुलदार, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद ग्रामीणों का कहना है कि छोड़ का, वही उप जिलाधिकारी संदीप कुमार का कहना है कि मेरी वन विभाग की टीम को बता दिया गया है और पिंजरा लगा दिया गया है, लेकिन वही उनका कहना है कि जो वही ज्ञापन जो मेरे को पहुंच दिया है, ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री और यहाँ के जो विधायक है उनको यहाँ पे और गढ़वा सांसद को मैं यहाँ पे फैक्स के द्वारा भेजा दिया गया। जी भगवान सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको पौड़ी से खबर बता रहे थे जहां पर बताया जा रहा है कि गुलदार के साथ आपसी संघर्ष में महिला घायल हो गई है, फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है। हरिद्वार के सुमन नगर नहर पटरी से पथरी रो
नदी के ही क्षतिग्रस्त रपडे को दुरुस्त न करने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी रोष है और ग्रामीणों को अब आने वाली बरसात का भी डर सताने लगा है। आखिर क्या होगा जब बरसात में नदी अपने उफान पर होगी और एक साल भी नहीं चल पाया और ये रटपा, आपको बता दें कि जो पुल है वो अब एक बार फिर से बरसात आने वाली है और कोई भी विभाग इस पुल की ओर सुध नहीं लेने को तैयार है। बता दें आपको कि पिछली बरसात में जब इस रपटे पुल का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर नदी में जा गिरा था, तब उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने आनन फानन में इसका निरीक्षण किया था और जल्द ही इसके पुनर्निर्माण या मरम्मत का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद ये रपटा पुल अपनी दुर्दशा के आंसू बहाता रहा और बात सिर्फ अधिकारियों के निरीक्षण तक ही सीमित रह गई। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, ये क्या पूरा मामला था? ग्रामीणों में इसको लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, पुल को लेकर बड़ी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के सुमन नगर जो नहर पटरी है और जो पथरी रो नदी है उसके ऊपर एक रपटा पुल बनाया गया था महाकुंभ के दौरान, जिसको बने हुए मात्र एक वर्ष यहां पर हुआ था। फिलहाल पहली बरसात की बौछार में ये रपटा पुल बह गया था, जिसके लिए तमाम जो लगभग 50 गांव की जो क्षेत्रीय आबादी है वो इस पुल से होकर गुजरती है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सभी जो प्रदेशों के लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। तो इस रपटा पुल की जो ये बह गया था तो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा और अन्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा इसका निरीक्षण भी तत्काल किया गया था, लेकिन जो निरीक्षण था वो केवल बात निरीक्षण पर यहाँ पर रह गई, किसी तरह की कोई कार्रवाई या कोई मरम्मत कार्य या कोई पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर नहीं किया गया, जिसके चलते यहाँ पर लगातार कोई ना कोई घटनाएं आए दिन यहाँ पर होती रहती है। जी इंतजार, जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ से काफी लोग इस पुल से गुजरते हैं, तो कोई बड़ी दुर्घटना भी इस पुल के जरिए हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आए दिन यहाँ पर चाहे किसी हम गाड़ी की बात कर ले या कहीं ऑटो वगैरह की बात कर ले या किसी गाड़ियों की हम बात कर ले, कोई ना कोई गाड़ी इस पुल से फिसलकर सीधी नदी में जा गिरती है यहाँ पर, और कोई यहाँ पर जो घटना है लगातार यहाँ पर घटती रहती है। कई जो दर्जाधारी जो जनप्रतिनिधि है वो भी लगातार यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी भी दर्जाधारी जनप्रतिनिधि या किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान अभी तक इस रपटा पुल की ओर नहीं गया है ताकि इसको दुरुस्त किया जा सके। और फिर यहाँ पर आने वाले जो बरसात है उसको लेकर भी लोगों की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ गई हैं कि यदि अगर इस बार जो बरसात होती है तो जो बरसात का पानी है वो इस बार फिर इस जो पुल से होकर गुजरेगा और तमाम जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर लोगों को यहाँ जो झेलनी पड़ेंगी। जी इंतजार रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार पुल की बात की जाती है, पुल का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर कभी भी गिर सकता है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों को बारिश में इससे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोचर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग को लेकर गोचर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रखा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि एक हफ्ते में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोचर में ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो वे अस्पताल में संपूर्ण तालाबंदी कर देंगे। और सोमवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने नेतृत्व में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोचर अस्पताल में साकेतिक तालाबंदी कर अस्पताल से ग्रेफ चौक तक जुलूस निकाला और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि अस्पताल की बदहाली के चलते दो दिन पहले पूर्व क्षेत्र में ही 3 युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिरकार चमोली जिले के ही पेठाणी गांव के ग्रामीणों की सालों पुरानी मोटर मार्ग की मांग नव वर्ष के अवसर पर पूरी हो गई है। आपको बता दें कि रविवार को नारायण बगड़ प्रखंड के पेठाणी गांव के नारायण बगड़ परखाल चोपटा मोटर मार्ग से ही राज्य योजना के स्वीकृत 2 किलोमीटर मोटर मार्ग का क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी और भाजमेऊ जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी, ग्राम प्रधान मृत्युंजय परिहार आदि जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भूमि पूजन कर मोटर मार्ग का कार्य प्रारंभ हुआ और इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं पुरुषों ने बड़ी संख्या में आकर विधायक का स्वागत समारोह का कार्यक्रम भी रखा था और भूमि पूजन कार्यक्रम समारोह का संचालन पंडित सुरेंद्र प्रसाद पांडे ने किया।
तो बढ़ते अगली खबर की ओर। रीड नगर पंचायत दिनेशपुर के सभागार में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति दिनेशपुर इकाई के द्वारा नशा अनुमल कार्यक्रम धूमधाम से साथ मनाया गया है और कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान, चित्रकला और मूर्तिकला, रंगोली, बांग्ला सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस दौरान ही बंगाली समाज के लोगों ने रविंद्र संगीत, बांग्ला संगीत आदियों की प्रस्तुति दी है। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अरुण पांडे ने कहा कि बीच बचाव में नशे के खिलाफ जागरूकता करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों का ध्यान अपने संस्कृति, कला, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम लगातार करना चाहिए। दिनेशपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है संगीत, चित्रकला को लेकर संदेश दिया गया है और इसके साथ ही मूर्तिकला पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा भी कहा गया है। आपको बता दें कि दिनेशपुर की इकाई के द्वारा ही नशा इसको लेकर कार्यक्रम किया गया, नशा उन्मूलन कार्यक्रम किया गया था। उत्तरकाशी जनपद के ही डुंडा प्रखंड के ओलिया गांव निवासी राम नारायण भट्ट की पत्नी पर भालू ने जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब दो महिलाएं शाम के समय करीब 3 बजे अपने ही निजी खेतों में घास काटने गई थी, जहां पर घात लगाए भालू ने अचानक से गुजलेश्वरी देवी, उम्र जिसकी 40 साल है, उस पर हमला कर दिया और इसके साथ ही महिला पर भालू का हमला होने की भनक जैसे ही दूसरी महिला को लगी तो उस महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर शराबा कर घायल महिला को भालू के चुंगल से छुड़ाया। महिला का शोर सुनाई देते ही ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए और आनन फानन घायल महिला को देर रात ही 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज चल रहा है। और वहीं भालू के हमले की सूचना के बाद फॉरेस्ट और कर्मचारी भी अस्पताल में पहुंचे और ग्रामीणों को हर मदद का भरोसा दिलवा दिया। आपको बता दें कि अल्या गांव में ही इससे पहले भी भालू ने कई बार हमले किए हैं और यहां के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू के हमले से निजात दिलाने के लिए गुहार भी लगाई है। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भालू के हमले से निजात दिलाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और इसके लिए गुहार भी लगाई गई है। आपको बता दें कि भालू का हमला हुआ था महिला पर, जिसके बाद दूसरी महिला ने उस महिला की जान बचाई है, ये भी जानकारी सामने आई है। बताते चले आपको कि जो घटना है वो उत्तरकाशी की बताई जा रही है, जहां पर महिला पर गंभीर रूप से महिला उसके बाद घायल भी हो गई थी भालू के हमले के बाद। और वहीं भालू के हमले की सूचना के बाद ही फॉरेस्ट के कर्मचारी जो थे अस्पताल में पहुंचे और ग्रामीणों को हर मदद का भरोसा भी उन्होंने दिया है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि ओलिया गांव में इससे पहले भी भालू ने कई बार हमले किए हैं और यहां के जनप्रतिनिधि, ग्रामीण ने वन विभाग से भालू के हमले से निजात दिलाने की भी गुहार लगाई है। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय काश्तकारों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए नगर में संडे मार्केट का आयोजन किया जा रहा है, जिससे दूर दराज से काश्तकार अपने उत्पादों को यहां पर लाकर बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बता दें आपको कि जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय काश्तकारों की आर्थिकी को सुधारने का प्रयास प्रशासन कर रहा है और जिसको लेकर संडे मार्केट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से काश्तकार अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर यहां पर उन्हें अच्छे दामों पर बेच रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं और अपनी आर्थिकी को भी सुधार रहे हैं। संडे मार्केट में आए स्थानीय काश्तकारों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर आकर अच्छी कमाई हो रही है और उनके उत्पादों के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन का आभार भी जताया और कहा कि प्रशासन पूरा सहयोग काश्तकारों का कर रहा है और जिससे उनकी आर्थिकी में भी सुधार हो रहा है और अच्छी कमाई भी हो रही है। तो आपको चमोली से खबर बता रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि पहाड़ी उत्पादों का संडे मार्केट लगता है, जहां पर दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचते हैं और अपने उत्पाद लेकर पहुंचते हैं और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि उन्हें अच्छा मुनाफा यहां पर होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
पौड़ी में जल्द ही पुराना ब्रिटिश कालीन कलेक्ट्रेट परिसर अब एक नए स्वरूप में यहाँ के लोगों और पर्यटकों को नजर आएगा। इस हेरिटेज बिल्डिंग को संवारने की कवायद जिलाधिकारी के निर्देशों पर अब तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी ने इस हेरिटेज बिल्डिंग की जीर्णोद्धार का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंपा है और ऐसे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहां आर्किटेक्ट के साथ ही मिलकर इस पूरे परिसर का सर्वे कर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं ताकि इस बिल्डिंग को एक नया रूप दिया जा सके। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के ही अधिशासी अभियंता धन सिंह कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि ब्रिटिश कालीन धरोहर को संवारने के लिए तेजी से कार्य योजना तैयार की जा रही है जो आने वाले समय में अपने नए स्वरूप में नजर आएगी। तो इस बिल्डिंग को हमने जो है रिनोवेट करके इसको एक बढ़िया सा एक आउटलुक देना है ताकि आने वाले जो हमारे बाहर के जो भी हमारे दर्शक आते हैं या फिर लोग आते हैं बाहर से तो उनको एक लगे कि पौड़ी में एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर हमारा बिल्डिंग है। और उसके साथ हम लोग म्यूजियम वगैरह का भी जो करेंगे और साथ में जो बिल्डिंग लगी हुई है इसके तो उन बिल्डिंगों को डिसमेंटल करके और उस पर जो है एक कैफेटेरिया बढ़िया सा एक दूसरे को ये आपस में वो करें अच्छा मतलब व्यू दें तो उसकी प्लानिंग है। तो आपको पौड़ी से खबर बता रहे हैं जहां पर पौड़ी में जल्द ही पुराना ब्रिटिश कालीन कलेक्ट्रेट परिसर अब एक नए स्वरूप में यहां के लोगों और पर्यटकों को नजर आएगा। इस हेरिटेज बिल्डिंग को संवारने की कवायद जिलाधिकारी के निर्देशों पर अब तेज कर दी गई है और जिलाधिकारी ने इस हेरिटेज बिल्डिंग के इसके निर्माण को लेकर जिम्मा जो है वो निर्माण विभाग को सौंपा है और ऐसे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहाँ आर्किटेक्ट के ही साथ मिलकर इस पूरे परिसर का सर्वे कर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं ताकि इस बिल्डिंग को एक नया रूप दिया जा सके। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता धन सिंह कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस ब्रिटिश कालीन धरोहर को संवारने के लिए तेजी से कार्य योजना तैयार की जा रही है जो आने वाले समय में अपने नए स्वरूप में नजर आएगा। फिलहाल आपको बता रहे थे पौड़ी से खबर है जहां पर कलेक्टर तेजी से कार्यक्रम किया जा रहा है तैयार और इसको लेकर कलेक्टर परिसर को संवारने की कवायद तेज कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।